आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। इस वक्त की खास खबर आ रही है ओसियां से, जहां एक तरफ राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर सरकारी विद्यालयों के रखरखाव और उनमें शिक्षा के स्तर में सुधार कर उनमें संपूर्ण सुविधा युक्त शिक्षा दिलाने के बड़े बड़े दावे करती है, परंतु प्रदेश में अभी भी कुछ गाँव में सरकारी विद्यालयों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहाँ ऐसा ही एक मामला जोधपुर जिले के ओसियां तहसील के भाकरी गांव में देखने को मिला, जब हमारे स्थानीय संवाददाता जगदीश शांपाणी ने ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों पर भाकरी गांव में पहुंचकर यहां निरीक्षण किया तो पाया कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के हालत बदतर हैं। वहां का जायजा लिया तो इस विद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम खुलकर सामने आया और सारे बड़े बड़े सरकारी दावों की पोल खुल गई। आपको बता दें कि इस विद्यालय की स्थापना सन 1993 में हुई और फिलहाल इस विद्यालय में कुल 440 विद्यार्थी हैं, जिसमें से अधिकांश छात्राएं हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालय की चार दीवारी चारों तरफ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस हद तक कि इसमें विद्यालय परिसर में लगाए गए पेड़ पौधों को आवारा पशु नष्ट कर देते हैं। एक तरफ जहां विद्यालय की दीवार के इधर उधर बिखरे हुए पत्थरों से विद्यालय परिसर में खेलने वाले विद्यार्थियों को चोट लगने का अंदेशा होता है, वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं के आतंक से शिक्षकों और विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि आवारा पशु क्लासरूम तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभिभावक भी छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने से कतराने लगे हैं। वहीं विद्यालय का भवन जर्जर हालत में होने के कारण वर्षा के समय में भी कक्षाओं से छत से पानी टपकता है और शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो जाती है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिक्षक और छात्रों के पास आवारा पशुओं को बाहर भगाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, सिवाय बाहर भगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी कि जब कक्षाएं चल रही होती है और पूरी तन्मयता से विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, उसी बीच कक्षा में एक आवारा पशु घुस जाए तो किसी भी विद्यार्थी को खड़ा होकर उस पशु को भगाना पड़ता है। जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य और ग्रामीणों से भी बात की तो पता चला कि इस संबंध में उन्होंने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों का अवगत करवा दिया है, परंतु आज तक विद्यालय का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि इस विद्यालय में ग्राम पंचायत भाकरी के अलावा भेड़ ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालयों की 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाओं के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र भी है। ऐसे में दीवार क्षतिग्रस्त होने से वार्ड परीक्षाओं में आवारा पशुओं के साथ असामाजिक तत्वों की भी दखल अंदाजी होती रहती है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा और परीक्षाओं के समय गोपनीयता पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत और प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगामी बोर्ड परीक्षाओं से पहले विद्यालय की तालाबंदी कर स्कूल के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब जब सरकार बदल चुकी है, कांग्रेस की सरकार है और एक तरफ जहां प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है और दूसरी ओर ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा भी कांग्रेस पार्टी से हैं, ऐसे में क्या विधायक या स्थानीय प्रशासन इस विद्यालय के जीर्णोद्धार करवा पाने में सक्षम होंगे या इसी तरह विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को मजबूरन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और या फिर सारे ग्रामीण लामबंदी कर तालाबंदी कर दे विद्यालय की और धरना प्रदर्शन पर बैठ जाए, अंत तो गतवा इस स्कूल का कोई ना कोई समाधान तो प्रशासन ग्राम पंचायत भाकरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर बच्चों की स्टैंड 280 है करीब और दीवार टूटी फूटी है, और मैंने विधान पंचायत समिति से बजट मांगा तो पंचायत समिति नरेगा के अंदर काम कराने के लिए कह रही है। ग्राम पंचायत भाकरी के पास में बजट नहीं था और नहीं है, और मैंने विधायक महोदय से निवेदन किया, उसने कुछ अवगत करवा दिया, मन कुछ काम नहीं हुआ हमारा। और अब मैं दिव्या जी मदेन से भी ये लेटर लिख के दे के आया हूँ, आश्वासन दिया है कि मैं मेरे विधायक कोष से इनकी चार दीवारी पूर्ण करवाऊँगा और यहाँ पर बोर्ड है। और इस ग्राम पंचायत में 10वीं, 12वीं, 8वीं, 5वीं तक बोर्ड एग्जाम सेंटर भी है, पोल्ट्री स्कूल की पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रशासन को हर प्रकार को समस्या का निवारण करने के लिए भेज चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे बोर्ड एग्जाम परीक्षा सेंटर भी है, प्रशासन की लापरवाही से अभी तक
विद्यालय में कोई सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं आया। इसके यहाँ बोर्ड का सेंटर भी है, बोर्ड सेंटर में सुरक्षा पहली चीज है और बाउंड्री जर्जर है। इसके लिए हमने पहले पंचायत को भी सूचना दे दी है, कई बार मौखिक कह भी दिया है और पूर्व वीडियो नवलाराम चौधरी को मैंने भी लिखित में भी दिया था। अब बोर्ड और वैसे भी यहाँ छात्राएं ज़्यादा है, लड़कों से 70% लड़कियाँ हैं, सुरक्षा के लिए भी देखा जाए तो बाउंड्री जर्जर है, ये पूरी होनी और पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम नए वीडियो साहब आए उनसे मेरे कॉन्टैक्ट करना है, बाकी पंचायत को हम कह चुके हैं और सरपंच को ध्यान भी है। बोर्ड की कक्षा क्या भेड़ का भी बोर्ड सेंटर यहाँ है, दो विद्यालयों का यहाँ बोर्ड का सेंटर है, बोर्ड सेंटर में भी बाउंड्री होना अति आवश्यक है, लेकिन इसके बारे में सूचना हम नए वीडियो साहब मामले की जांच पड़ताल करके सारी जानकारी हमारे सामने लाने के बाद में अब हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे ओसियां के संवाददाता जगदीश शापड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे। जगदीश, पूरा मामला क्या है? पिछले काफी समय से भाकरी गांव के ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिल रही थी जी। तो मैंने वहां पहुंचकर इस विद्यालय का जायजा लिया तो ये सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है जी। जो 1993 के अंदर स्थापित हुआ था और इसकी चार दीवारी है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है मैडम जी। और वर्षा के समय इस विद्यालय की छत है जो जर्जर हालत में है और पानी टपकता है जिससे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। और क्षतिग्रस्त दीवार होने से आवारा पक्षु का जहाँ आतंक है, यहाँ विद्यालय के अंदर जो पेड़ पौधे वो भी नष्ट कर देते हैं। उसके साथ इस विद्यालय में कुल छात्राओं की संख्या ज्यादा है जिससे उनकी सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े जी होते। जी बिल्कुल निश्चित रूप से। एक चीज हमें बताइए कि क्या प्रशासन अभी भी कन्नी काट रहा है? जहाँ एक और दिव्या मदेरणा है और अशोक गहलोत हैं जो जोधपुर से ही संबंध रखते हैं, जोधपुर का ही ये इलाका आता है, तो अभी भी क्या प्रशासन आनाकानी कर रहा है इस विद्यालय के जीर्णोद्धार में? जी निर्मला जी, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने प्रशासन के तौर पर जो यहाँ की स्थानीय डीओ मैडम है गायत्री भारद्वाज जी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने समग्र शिक्षा अभियान चलता है सरकार के द्वारा, उनको अवगत करवा दिया है और जल्द ही इस विद्यालय की चार दीवारी करवा दी जाएगी। और रही बात मैडम विधायक की, तो विधायक से भी हमने बात की तो विधायक ने कहा सरपंच ने इस मामले से हमें अवगत करवाया है, जल्द ही मैं इसका जीर्णोद्धार करवाऊंगी जी। अन्यथा ग्रामीण तैयार है, लामबंद बैठे हैं कि अगर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो वो विद्यालय की तालाबंदी कर देंगे और धरने पे बैठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना। तो उन्होंने क्या कोई समय सीमा दी है ग्रामीणों ने? जी मैम, जी निर्मला जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों का कहना है कि हमने इस मामले को लेकर पिछले सरकार के अंदर भी जो विधायक थे वेरा राम सियोल उनसे भी आवाज उठाई थी परंतु इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है और अब हम पंचायत को कह रहे हैं तो पंचायत कह रही है हमारे पास बजट नहीं है। ऐसे में अब हम परेशान हैं और हम छात्राओं को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय भेजने भी अभिभावक कतरा रहे हैं और ग्रामीण कह रहे हैं कि हम अगर जल्द ही प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सुनवाई नहीं की तो हम विद्यालय के तालाबंदी कर और आंदोलन करेंगे उग्र जी। मगर उन्होंने कोई समय दिया है कि इतने समय तक अगर प्रशासन नहीं करता है तो फिर हम खड़े होंगे? जी निर्मला जी, इस बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि यह विद्यालय बोर्ड परीक्षा का केंद्र है जी। हाँ, भेड़ गांव से भी विद्यार्थी आते हैं और आसपास के कुछ राजस्व गांव है जिनके विद्यार्थी का ये एक ही परीक्षा केंद्र है और ऐसे में जो बोर्ड परीक्षा है उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उनकी गोपनीयता भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी बोलबाला है, दखलंदाजी होती है जी जी जी। तो ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि हमें अगर बोर्ड परीक्षाओं से पहले हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम बोर्ड परीक्षाओं का भी बहिष्कार करेंगे और विद्यालय में उग्र आंदोलन करेंगे जी। इसका मतलब बिल्कुल साफ रूप से ये जाहिर हो रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली होंगी। जगदीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी जी जगदीश जी, मतलब जल्दी ही कोई ना कोई कदम प्रशासन को उठाना पड़ेगा।
जगदीश जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, मगर मुख्य रूप से जगदीश जी ने हमें सारी जानकारी दे दी है। जगदीश ने हमें बताया कि किस तरह से प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं और प्रशासन ने भी एक हिसाब से फिलहाल आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करवाएंगे। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की समस्या है जिसका काफी लंबे समय से समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताइए। किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी आपकी बात को अनदेखा कर रहे हैं, आपकी समस्या को नहीं सुन रहे हैं, जिससे आप काफी समय से परेशान हैं, आपके आसपास वाले लोग परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क कीजिए। सत्यमेव शैलाल आपकी हर संभव मदद करेगा, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हम नए समाज का निर्माण करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा इन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।